Hello everyone, I am Priyanshi Sood. Welcomes you all to Study IQ. So guys, today we'll talk about the topic Human Evolution and Emergence of Man. With that, we'll talk about various biological and cultural factors responsible for this evolution and some basic concepts related to human evolution. So let's start. Okay, so first of all, what is human evolution? Human evolution, also known as hominization, it is an evolutionary process which led to the emergence of modern day human being from his ancestors. कि कैसे जो आज का इंसान है, प्रेजेंट डे मैन है, वो अपने एंसेस्टर से, जो अर्ली मैन था, उससे कैसे मॉडर्न डे मैन कन्वर्ट हुआ. सो ये हम पढ़ते हैं थ्रू एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन. मॉडर्न डे ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द स्पीशीज दैट इज़ नोन एज होमो सेपियंस सेपियंस. ये स्पीशीज जो है वो आज का इंसान उससे बिलोंग करता है. तो ऐसी कौन कौन से स्पीशीज रह चुकी होंगी पास्ट में जिनसे कन्वर्ट होते हुए ये स्पीशीज बनी हुई, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे. और साथ ही साथ वेरियस बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर जो इन स्पीशीज पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाती थी, ये भी साथ ही पढ़ेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं इवोल्यूशनरी सीक्वेंस दिखाया गया है कि कौन कौन सी स्पीशीज किस सीक्वेंस में आई थी. सबसे पहले है उसमें ड्रायोपिथेकस, आफ्टर देन रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियांडरथलेंसिस एंड होमो सेपियंस सेपियंस. तो आप देख सकते हैं कि ये होमो सेपियंस सेपियंस टॉप पे है. जो मॉडर्न डे ह्यूमन स्पीशीज है वो टॉप पे दिखाई है. तो ड्रायोपिथेकस से जो ये स्पीशीज था उनका ओरिजन हुआ. तो कैसे टाइम के साथ एक के बाद एक स्पीशीज आती गई, जैसे ड्रायोपिथेकस से लेके होमो सेपियन सेपियन मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज तक कैसे वेरिएशंस आई इन स्पीशीज में, तो ये इस सीक्वेंस में दिखाया गया है. अब ज़्यादातर क्या होता है कि हम ये सीक्वेंस याद नहीं रख पाते, और ये सीक्वेंस याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है. तो इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए यहाँ पे हम एक सेंटेंस बनाया है, हमने एक सेंटेंस फॉर्म किया है जिसके थ्रू हमें ये इजी हो जाता है टू क्रैम और टू लर्न. ओके, सो ये सेंटेंस है दैट डू रिमेंबर अमेरिका हैज़ इनफ नंबर ऑफ स्किल्स. इस सेंटेंस में हमने जो इसका फर्स्ट लेटर है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है, वो हमने इन स्पीशीज के स्टार्टिंग लेटर को ध्यान रखते हुए बनाया है. लाइक ड्रायोपिथेकस से डू, रामापिथेकस रिमेंबर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अमेरिका. अब ये बाकी की स्पीशीज जो है इनका स्टार्टिंग का वर्ड है होमो, तो हमने होमो को साइड पे रख दिया क्योंकि ये कॉमन है. इसके बाद आता है हैबिलस, हैज़, इरेक्टस इनफ, नियांडरथलेंसिस नंबर ऑफ, एंड सेपियंस सेपियंस को स्किल से. तो यहाँ से आप इस सेंटेंस के साथ इन स्पीशीज को रिलेट कर सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज स्पीशीज वन बाय वन एंड व्हाट आर द बायोलॉजिकल एंड कल्चर फैक्टर दैट आर इन्फ्लुएंसिंग दीज स्पीशीज. सो इनमें सबसे पहले आते हैं ड्रायोपिथेकस, जहाँ से ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस का ओरिजन हुआ था. सो ड्रायोपिथेकस के मेनली कॉमन फीचर्स क्या हैं, दैट दे वर क्वाड्रोपेड्स. क्वाड्रोपेड्स का मतलब है कि वो चार पैरों पे, क्वाड्रा मतलब चार, चार पैरों पे चलते थे. जैसे आज का इंसान दो पैरों पे चलता है, उस टाइम ड्रायोपिथेकस जो थे वो क्वाड्रोपेड्स थे, चार पैरों पे चलते थे. और वो एप्स के करेक्टरिस्टिक्स को मैच करते थे. एप्स मतलब गोरिलास, चिंपांजीज और ऑरेंगुटान जैसे एनिमल्स को मैच करते थे. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सिमिलर लग रहा है एप की तरह. तो ड्रायोपिथेकस जो थे वो एप लाइक थे. उसके बाद उनकी जो बॉडी थी वो हेरी थी. अब इस पिक्चर में देख सकते हैं हेरी बॉडी वाले एनिमल्स, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, आपको पता होगा वो हेरी बॉडी वाले होते हैं. इसके बाद जो ड्रायोपिथेकस के जो फॉसिल्स थे वो हिमाचल प्रदेश के एक एरिया बिलासपुर से रिकवर किए गए थे. उनके बेसिस पे हमने ड्रायोपिथेकस नाम की स्पीशीज का स्टडीज़ फर्दर कंडक्ट की थी. नाउ नेक्स्ट इज रामापिथेकस. ड्रायोपिथेकस के बाद स्पीशीज आई रामापिथेकस. रामापिथेकस मैन लाइक थे, ह्यूमन बींग्स की तरह दिखते थे. तो अब ह्यूमन बींग्स की तरह हैं तो मैन लाइक हैं, तो उनका जो पोस्चर था वो इरेक्ट था. इरेक्ट पोस्चर मतलब वो स्ट्रेट थे, सीधे खड़े हो सकते थे. और उनके जो फॉसिल्स थे वो शिवालिक हिल्स से रिकवर करे गए थे. इन फॉसिल्स की हेल्प से ही इस स्पीशीज की फर्दर स्टडीज कंडक्ट करी गई थी. इसके बाद आती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस बाइपेडल लोकोमोशन शो करते थे. अभी क्वाड्रोपेड हुए थे चार पैर, तो बाइपेडल होते हैं दो पैरों वाले. बाई मतलब टू, पेडल मतलब लेग्स.
दो पैरों पे चलने वालों को हम बोलते हैं बायपेडल लोकोमोशन। उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 600 cc, क्यूबिक सेंटीमीटर, 600 क्यूबिक सेंटीमीटर क्रेनियल कैपेसिटी थी। इसके बाद देवर हंटर्स, जो स्टोन वेपन्स, स्टोन टूल्स यूज किए करते थे फॉर हंटिंग। ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज मेनली फ्रूट्स खाते थे, क्योंकि उनके जो टीथ पैटर्न थे, टीथ मॉर्फोलॉजी थी, डेंटल मॉर्फोलॉजी, वो सिमिलर थी मैन की तरह, तो वो नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह ही खाते थे। इसके बाद इनके जो फॉसिल्स थे वो रिकवर किए गए थे बाय रेमंड डार्ट नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट से। रेमंड डार्ट ने इनके फॉसिल्स रिकवर किए थे और साथ ही साथ इनकी दो स्पीशीज को भी डिस्कवर किया था, दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसी। सो ये दो स्पीशीज थी फर्दर ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज की। नेक्स्ट कम्स द होमो हैबिलिस, दे वर नोन एज द हैंडीमैन, क्योंकि हैंडीमैन इसलिए कहते हैं, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रेट खड़ा है और जो उसके हाथ थे वो फ्री थे। अब हाथ फ्री थे तो वो हाथों का यूज़ करने लग गया था टू होल्ड द स्टोन टूल्स, और वो अपने हाथों का यूज़ करने लग गया फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग। इसके बाद उसके जो फॉसिल्स थे वो लीकी नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए थे, और जो उनकी डेंटल मॉर्फोलॉजी थी वो इस तरह की थी, वो दिखाती थी दैट दे डोंट ईट फ्लैश, उन्होंने कभी फ्लैश नहीं खाया, क्योंकि उनकी डेंटल मॉर्फोलॉजी जो थी वो उस तरीके की थी। नेक्स्ट कम्स द होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस ऐसी स्पीशीज थी जो मीट कंज्यूम करती थी। अभी तक वो नॉर्मल स्पीशीज के बारे में हम पढ़ रहे थे जो सिंपल फ्रूट्स वगैरह खाते थे, लेकिन होमो इरेक्टस जो थे वो मीट कंजम्पशन करते थे। इनकी जो एज है वो डिपिक्ट करी गई है अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये स्पीशीज जो थी वो ओरिजिनेट हुई थी, और इनके फॉसिल डिस्कवर किए गए थे अराउंड 1891 के आसपास इनके फॉसिल्स मिले थे, जिनके बेसिस पे इन इस स्पीशीज की स्टडीज कंडक्ट हुई थी। होमो इरेक्टस इरेक्टस ऑल्सो कॉल्ड एज जावा मैन, बिकॉज इनके फॉसिल्स जो थे वो जावा नाम की जगह से रिकवर किए गए थे। सो ये एक स्पीशीज हो गई होमो इरेक्टस की, सब स्पीशीज कह सकते हैं होमो इरेक्टस इरेक्टस, और दूसरी सब स्पीशीज है होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। अब इसको पैकिंग पैकिंग मैन भी कहते थे, क्योंकि ये चाइना की एक जगह है पैकिंग, वहाँ से रिकवर किए गए थे फॉसिल्स, जिनके बेसिस पे उसकी सब स्पीशीज का नाम पड़ा था होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। इस पिक्चर में होमो इरेक्टस की एक पिक्चर आप देख सकते हैं, तो ये जो मैन था वो इरेक्टस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इरेक्ट पोस्चर, तो वो स्ट्रेट खड़ा हो सकता था। सो दिस वाज होमो इरेक्टस। नाउ द नेक्स्ट इज होमो नियांडरथलेंसिस। नियांडरथलेंसिस की क्रेनियल कैपेसिटी पहली की स्पीशीज से काफ़ी बढ़ चुकी थी, एंड दैट इज 1400 cc। 1400 cc तक बढ़ गई थी उसकी क्रेनियल कैपेसिटी, और इसको कंसिडर किया जाता था फर्स्ट सिविलाइज स्पीशीज, जिसको थोड़ी सेंस आ गई थी कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा उसने मॉडिफाई कर लिया था। अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कंपैरेटिवली बाकी स्पीशीज की ये काफ़ी बेटर लग रहा है और काफ़ी मैन लाइक फीचर्स शो कर रहा है। उनको सेंस थी कि जो भी डेड थे उनको बरी करना है, हमें उसे जलाना है या उसे दबाना है। सो उनको ये जो सेंस थी उसकी वो चेंज हो गई थी और थोड़ा सिविलाइज्ड हो गया था वो। हाइट उनकी शॉर्ट थी, और उनके जो मैंडिबल्स थे, मैंडिबल्स होता है जॉ बोन, जो हमारे जॉ बोन होती है इसे हम मैंडिबल्स कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी। उनकी जो एज है वो प्रिडिक्ट करी गई है 1 to 4 मिलियन ईयर्स एगो। 1 to 4 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये स्पीशीज जो थी वो पाई जाती थी। नाउ कम द मॉडर्न स्पीशीज, दैट इज होमो सेपियंस, टू विच द मॉडर्न मैन बिलोंग्स। सो ये जो स्पीशीज थी ये पुरानी नहीं है, काफ़ी रिसेंटली फाइंड की गई, जैसे इवोल्ड हुई है 10 to 17,000 ईयर्स एगो। तो ये जो गैप है इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में ये इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा गैप ही कंसिडर करेंगे इसे। और इनको अफ्रीका में सबसे पहले पाया गई थी, ये स्पीशीज जो है अफ्रीका में सबसे पहले पाई गई थी। टू मोर फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड, इसी स्पीशीज के दो और भी सब स्पीशीज पाई गई हैं, दैट इज होमो सेपियंस फॉसिलिस एंड होमो सेपियंस सेपियंस। अब इन दोनों में क्या क्या, इन दोनों के फीचर्स क्या क्या हैं देखते हैं। सो होमो सेपियंस फॉसिलिस जो थी उसे क्रो मैग्नन मैन भी कहा जाता था।
जबकि होमो सेपियंस सेपियंस जो थे उन्हें मॉडर्न मैन कहा जाता था। फॉसिलिस में जो मैन था वो टॉल एंड उसका इरेक्ट स्टेचर था, लंबा था और इरेक्ट स्टेचर था। वो केव ड्वेलिंग करता था, केव्स में रहता था, छोटी छोटी गुफाएं बना के उसमें रहता था। कार्निवोर था, इसलिए कार्निवोर था, अब हंटिंग करता होगा, फिर वो फ्लैश खाता होगा, इसके लिए उसे स्टोन टूल्स की ज़रूरत पड़ती होगी। सो ये फीचर्स थे होमोसेपियन फॉसिलिस के। ऑन द अदर हैंड होमोसेपियन सेपियंस कैसे थे? मॉडर्न मैन। अब मॉडर्न मैन को तो हम इजीली उसके फीचर्स को पता लगा सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऐसे ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहता होगा। जो होमोसेपियन सेपियन स्पीशीज है इसे हमने 3 रेशियल ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। तो ये क्लासिफिकेशन है नेग्रोइड, मोंगोलॉयड एंड कोकोसोइड। सो दिस वॉज द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन और वेरियस बायोलॉजिकल एंड कल्चर फैक्टर जो इस इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को इफेक्ट कर रहे थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज थी जो बनी रिगार्डिंग द ह्यूमन इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की क्या क्या थ्योरीज थी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। ओके, सो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सबसे पहले बात करते हैं कॉम्टे डे बफन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जॉर्ज लुइस और कॉम्टे डे बफन नाम के साइंटिस्ट ने लेट 18th सेंचुरी में ये कहा था दैट लिविंग थिंग्स डू चेंज थ्रू टाइम्स, कि टाइम के साथ जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं। दिस कुड बी ड्यू टू द एनवायरमेंटल रीजन्स और अदर जेनेटिक रीजन्स, कि एनवायरमेंटल इन्फेक्ट और इम्पैक्ट और जेनेटिक इम्पैक्ट की वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं इन द लिविंग बींग्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमंस और एप्स काफ़ी रिलेटेड हैं आपस में। सो ये पॉइंट जो था उनका वो फर्दर स्टडीज़ में यूज़ किया गया था। ऑल्दो ये थ्योरी जो है इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। सो उनका ये पॉइंट ह्यूमंस एंड एप्स जो आपस में रिलेटेड हैं ये आगे यूज़ किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो उनकी थ्योरी से निकल के आया था। उनके मानना था कि नेचुरल फिनोमिनन्स जो हैं, जो भी हम नेचर के साथ फिनोमिनन्स डिस्कस करते हैं उन्हें हम नेचुरल लॉज के साथ डिस्कस करें रादर देन थियोलॉजिकल डॉक्ट्राइंस पे। मतलब अपनी थ्योरी ना बनाएं, नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग अगर हम नेचुरल फिनोमिनन्स के साथ डील करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दिस वॉज द थ्योरी बाय कॉम्टे डी बफन। इसके बाद थी इरास्मस डार्विन के थ्रू थ्योरी। इरास्मस डार्विन द फेमस नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन के ग्रैंडफादर रहे। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेन फीचर था थ्योरी का वो ये था कि उन्होंने आइडिया दिया था कि ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो अपने पेरेंट्स से कुछ ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं। नाउ द थर्ड कम्स बाय द शेविलियर डी लमार्क। शेविलियर डी लमार्क वॉज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू हिज स्टडीज ही बिकेम कन्विंस्ड दैट स्पीशीज वर नॉट फिक्स्ड बट वर रादर डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज बाय मॉडिफिकेशन, कि स्पीशीज़ जो हैं वो फिक्स नहीं है, जो पुरानी स्पीशीज़ हैं उनसे मॉडिफाई होके वो नई स्पीशीज़ में डिराइव होती हैं। सो ये कहना था लेमार्क का, और इसे हम कहते हैं लेमार्किज्म। सो हेयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू हिज थ्योरी। उनमें से सबसे पहले है न्यू नीड्स। न्यू नीड्स आर बेस्ड ऑन द वेरिएशंस इन द एनवायरनमेंट। वेरिएशंस मतलब एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं। उनका कहना था कि इन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो लिविंग स्पीशीज हैं वो खुद में भी चेंजेस लाते हैं। लाइक वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स अ न्यू नीड फॉर अडेप्टिंग टू दैट चेंज, कि उनमें कुछ नई नीड्स बन जाती हैं इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू दैट चेंज। जो चेंज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेना इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अदरवाइज द ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव इन दोज सिचुएशन। द ऑर्गेनिज्म हैज़ टू पुट इन स्पेशल एफर्ट्स, उसे स्पेशल एफर्ट्स पुट ऑन करने पड़ेंगे टू फुलफिल विद दोज न्यू नीड्स ऑफ अडेप्टेशन। दीज एफर्ट्स लीड टू अ चेंज इन द हैबिट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑफकोर्स अगर आप कुछ चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर और नेचर और हैबिटेट में भी चेंज आएगा। सो द न्यू हैबिट्स इन्वॉल्व फ्रेश और एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सर्टेन ऑर्गन एंड डिसयूज ऑफ अदर ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स का नया यूज़ होगा और कुछ ऑर्गन्स का डिसयूज हो जाएगा, वो ऑर्गन्स जो हैं अब यूज़ में नहीं रहेंगे। सो ये था उनका फर्स्ट फैक्टर, दैट इज़ न्यू नीड्स। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज़
कि ऑर्गेनिज्म अगर न्यू नीड्स को एक्वायर कर रहा है तो उसको कुछ नए करेक्टर्स एक्वायर करने होते हैं, और वो ये नए करेक्टर्स को तीन वेज में एक्वायर करता है, दैट इज़ इनेट टेंडेंसी, यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, थर्ड इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इनेट टेंडेंसी का मतलब है कि ऐसी कोई मजबूरी बन जाती है, रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की तरफ जाना पड़ता है रादर देन सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, उसे अपने कैरेक्टर्स को कम्प्लेक्स फॉर्म में लेना होता है। सेकेंड इज़ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल फॉर्म स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो अब नए ऑर्गन्स का यूज़ लेता है और डिसयूज़ करता है पुराने ऑर्गन्स का। थर्ड इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कि वेरिएशन जो आती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, फूड एक्सेट्रा, इनमें वेरिएशन चेंजेस आने की वजह से जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं एंड टू इन ऑर्डर टू एक्वायर न्यू कैरेक्टर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दोज कंडीशंस। नाउ द थर्ड इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये जो नए कैरेक्टर्स एक्वायर किए गए हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीजंस दैट इज़ एनवायरमेंटल और यूज़ और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो जो ये नए कैरेक्टर्स आए हैं कई बार जो होता है ये कैरेक्टर्स नेचुरली सिलेक्टेड होते हैं कि नेचर उनको सेलेक्ट कर लेती है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होने लगते हैं। अब ये हर एक जनरेशन में पास ऑन होने लगते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये चेंजेस जो हैं एनवायरनमेंट में फुली अडेप्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से एक नया कंसेप्ट बनता है और इवोल्यूशन हो जाती है, इन वेरिएशंस के थ्रू इवोल्यूशन हो जाती है। तो दिस इज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सो दीज वर द थ्री फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्योरी। नाउ दिस थ्योरी ऑफ लेमार्क कुड बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जिराफ एक मैमल है। जिराफ ऐसा माना जाता है कि वो डियर एनिमल हिरन जो होता है उससे इवोल्व हुआ है। इट इज़ बिलीव दैट डियर लिव्स इन अ बैरन प्लेस। बैरन प्लेस जहाँ पे बारिश कम होती थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे, उन ऊंचे पेड़ों की डालियों पे पत्ते होते थे, तो जो डियर था वो अपने नेक को स्ट्रेच करता था इन ऑर्डर टू रीच दोज लीव्स। सो कॉन्टिन्यूसली वो ये हैबिट बन गई उनको कि स्ट्रेच करते थे अपने फोर लिम्ब्स को और नेक को उन लीव्स तक पहुंचने के लिए। सो ये जो कैरेक्टर था उनमें धीरे धीरे आता गया और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। अब मॉडर्न जनरेशन में क्या हुआ कि जो डियर की वो नेक और फोर लिम्ब्स थी इतनी स्ट्रेच आउट हो गई कि वो जिराफ की फॉर्म में आ गया, जिसकी नेक जैसे कि हम जानते हैं फोर लिम्ब्स और नेक बहुत ही स्ट्रेच्ड होती हैं, लंबी होती हैं। तो दिस वॉज द रीज़न फॉर द इवोल्यूशन। वो कहाँ से हुआ, कहाँ वो उसकी जो नई नीड्स थी उन अकॉर्डिंग उनका जो नेक है वो स्ट्रेच्ड आउट हो गया। सो ये लेमार्किज्म को प्रूव करता है। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। अब लेमार्क की इस थ्योरी को एक्विजिशन ऑफ न्यू नीड, इसको अपोज किया गया बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वेजमैन। उन्होंने अपनी कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट थ्योरी दी और लेमार्क की थ्योरी को अपोज किया। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट, वेजमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स। एनवायरमेंट एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स अफेक्ट द सोमैटिक सेल्स ओनली। अब सोमैटिक सेल्स ऐसे हैं जो मॉर्टल हैं, जो इंसान की डेथ के साथ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जर्म सेल्स जो हैं वो इमॉर्टल हैं, जो इंसान की डेथ के बाद भी ख़त्म नहीं होते बल्कि पास ऑन हो जाते हैं उससे पहले ही टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो वेस्टमैन का कहना था कि एनवायरनमेंट जो है वो सोमैटिक सेल्स को इफ़ेक्ट कर रही है, तो उनका इफ़ेक्ट जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा अगर इंसान की डेथ हो जाती है, और अगर एनवायरनमेंट और यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का इफ़ेक्ट जो है वो जर्म सेल्स पे है तो वो पास ऑन होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एनवायरनमेंट एंड नॉट बाय जीन्स, ये था वेजमैन का कहना। सो वेजमैन की थ्योरी जो थी वो लेमार्क की थ्योरी के अगेंस्ट थी। इसके बाद वेजमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन है वो लाइफ की डाइवर्सिफिकेशन की बात करती है, कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से अडेप्टेशन होती है अलग अलग सिचुएशंस में। सो यहाँ से लाइफ की डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट समझ आता है। सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ ऑगस्ट वेजमैन।
नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज़ बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय रॉबर्ट डार्विन एंड इंग्लिश बायोलॉजिस्ट अल्फ्रेड रुसेल वेलिस. Darwin, during his journey around the world, had made an extensive observation on plants and animals. और उसने ये देखा कि there are variety of remarkable similarities among the organism. जो organism थे उनमें बहुत सी similarities थी और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपने अपने environment में adapted थे. इस adaptation के concept ने उसको curious बना दिया and made him an evolutionist. उसने इससे सोचने पे मजबूर कर दिया और फर्दर स्टडीज उन्होंने इससे रिलेटेड कंडक्ट करी. लेटर ऑन जो डार्विन वेलेस थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, उनकी डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में, उस बुक के पब्लिश होने के बाद जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी वो डार्विनिज्म के नाम से जाने जाने लगी. ऑल्दो स्टार्टिंग में जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी, डार्विनिज्म थ्योरी थी, उसके काफ़ी खिलाफ रिलीजियस एंड एथिकल ग्राउंड के बेसिस पे काफ़ी अपोज किया गया इस थ्योरी को, बट लेटर ऑन डार्विन के जो लॉजिकल कंसेप्ट थे उन्होंने लोगों को कन्विंस कर लिया. सो लेट्स टॉक अबाउट वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू हिज थ्योरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, रैपिड मल्टीप्लीकेशन. रैपिड मल्टीप्लीकेशन इज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ स्पीशीज. लाइक हर एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करती हैं. अब इन ऑफस्प्रिंग्स में से कुछ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो उन एडेप्टेशंस, उन एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ सर्वाइव कर जाती हैं, बट सम ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट कॉप अप विद दो सिचुएशंस एंड दे डाई आउट. सो दिस इज़ रैपिड मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट इज लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर्स मोर स्पेस एंड फूड. बट जो पॉपुलेशन का साइज़ अगर बढ़ रहा है लेकिन रिसोर्सेज का साइज़ तो कांस्टेंट है, सो जो ये लिमिटेशन एक सेट हो जाती है कि बियॉन्ड दिस लेवल पॉपुलेशन को रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं मिलेंगे. तो ये जो कांस्टेंट सेट हो जाता है, इस वजह से जो पॉपुलेशन में एक इक्विलिब्रियम बना रहता है. अगर उसके बियॉन्ड जाएंगे तो वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल नहीं होंगी और वो जो सर्वाइवल अप्रोप्रिएट नहीं होगा वहाँ पे. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस. नाउ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन बाय द पेरेंट्स, रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें आपस में कॉम्पिटिशन हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो उनके अंदर आपसी कॉम्पिटिशन हो जाता है टू सर्वाइव इन दोज कंडीशंस. तो वो आपस में लड़ते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नॉर्मल conditions like food, space, mate to reproduce and protection from enemies. So यहाँ पे struggle for existence हो जाता है. Next is variations. Variations is, as we know, is the law of nature. That हर एक individual दूसरे individual से vary करता है, different दिखता है, maybe in respect to size, shape, structure and behavior. अब सेम पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनमें भी काफ़ी वेरिएशंस होती है, वो भी सिमिलर नहीं होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज द वेरिएशन. नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन. लाइक नाउ इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, जो स्पीशीज ज़्यादा या इंडिविजुअल्स ज़्यादा फेवरेबल होंगे उन कंडीशंस के साथ कॉप अप करने में, तो वो जो है उस सिचुएशन में इजीली अडैप्ट कर सकते हैं रादर देन विच आर अनफेवरेबल एंड आर नॉट कोपिंग अप विद द चेंजेस. सो यहाँ पे नेचर जो है उन स्पीशीज़ को, उन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करती है एंड वही स्पीशीज़ और इंडिविजुअल्स जो है वो सर्वाइव करते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग अ सीवियर ड्रॉट द प्लांट विच कैन मैक्सिमाइज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैन मिनिमाइज इट्स लोस हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल रादर देन अदर्स. डेजर्ट में कैक्टस प्लांट जो है वो ईजिली सर्वाइव करता है रादर देन अदर प्लांट्स. सो दिस इज नेचुरल सिलेक्शन. इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन. ये एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पर डार्विन लेमार्क के बात से, थ्योरी से सहमत थे. उनका कहना था कि नेचर से सेलेक्ट होने के बाद जो इंडिविजुअल में ट्रेट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम हिज जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन.
सो ये जो यूजफुल ट्रेट्स हैं वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और जो सर्वाइवल है वो इजी हो जाता है, फिट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन. सो दिस वॉज द इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज में जो स्पीशीज नई बन रही है वो पुरानी स्पीशीज की मॉडिफिकेशन से बन रही है. लाइक हर एक जनरेशन में फेवरेबल वेरिएशंस आ रही हैं, तो ये फेवरेबल वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, जिसकी वजह से हर एक जनरेशन जो है मॉडिफाई हो रही है. तो इन द एंड जो नई स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही है वो बिल्कुल ही न्यूली फॉर्म्ड हो रही है, और वो जो है एनवायरमेंट में बिल्कुल ही फिट है फॉर द सर्वाइवल. सो दीज वर द फैक्टर्स ऑफ द डार्विन थ्योरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी. फर्स्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन. अकॉर्डिंग टू डार्विन स्मॉल वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. सो इसका मतलब हुआ कि जो ऑर्गन्स हैं वो स्मॉल स्ट्रक्चर में अपेयर हो रहे हैं, तो वो ग्रेजुअली जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हैं वो परफेक्ट हो जाएंगे. सो दिस वॉज समवेयर अगेंस्ट द थ्योरी. नेक्स्ट इज परपेचुएशन ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन. थ्योरी के अकॉर्डिंग कि नेचर जो है पर्टिकुलर ट्रेट्स को ही सिलेक्ट करती है जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में फिट होते हैं, तो उन अकॉर्डिंग जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं उनका तो यूज़ भी नहीं है कोई, वो तो डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की वजह से ख़त्म होने चाहिए, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन वो पास ऑन होते जाते हैं विदाउट देयर यूज़. सो दिस वॉज ऑल्सो अगेंस्ट देयर थ्योरी. थर्ड इज ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कुछ एनिमल्स में जो ऑर्गन्स हैं वो ओवर डेवलप्ड हो गए हैं, जो कि जिनकी इतनी यूज़ भी नहीं है. फॉर एग्जांपल डियर्स के जो एंटलर्स हैं, जो उनके हॉर्न्स होते हैं, एलिफेंट टस्क, ये बियॉन्ड लेवल डेवलप हो चुके हैं जिनका यूज़ भी नहीं है. सो डार्विन की थ्योरी में ऐसी बातों का कोई स्पेस नहीं था. नेक्स्ट इज लैक ऑफ रीजंस दैट प्रोड्यूस वेरिएशन. डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन है वो वेरिएशंस के अकॉर्डिंग है. हर एक जनरेशन में वेरिएशन आ रही है, इस वजह से इवोल्यूशन हो रहा है. बट वेरिएशंस के क्या कॉजेज हैं, किस वजह से वेरिएशन आ रही है, ये डार्विन ने अपनी थ्योरी में बात नहीं करी थी. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट पॉइंट दैट लेड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन. डार्विन का कहना था कि कोई भी वेरिएशन जो यूजफुल है वो पास ऑन हो जाएगी जनरेशन टू जनरेशन, बट प्रेजेंट जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग दिस इज़ नॉट ट्रू. वो कहते हैं कि वेरिएशंस अगर आ रही हैं वो पास ऑन होगी वेदर दे आर यूजफुल और नॉट. सो दीज वर द क्रिटिसिजम्स ऑफ थ्योरी विच लीड टू द इमर्जेंस ऑफ अदर थ्योरी विच इज़ नोन एज नियो डार्विनिज्म थ्योरी और द सिंथेटिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दोज वेरिएशंस विच आर जेनेटिकली इनहेरिटेड आर कंसिडर्ड for the evolution, for the cause of evolution and not other variations. Also, this theory says that variations appearing among the member of population brings about evolution. That ek single individual evolution cause nahi kar sakta, whole population is responsible for the variations and evolutions. Let's talk about the factor of this theory one by one. First of all, genetic variation. Genetic variation in population. Population refers to all the individuals of species inhabiting the same area at a particular time. कि एक ही particular time में एक species के जो individuals हैं वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो उसे हम population consider करेंगे. For example, एक frog की population अगर हम consider करें, तो अगर वो pond में रह रहा है, lake में रह रहा है, marshy area में रह रहा है, तो हम कहेंगे कि एक species अलग अलग population में रह रही है. हम ऐसा नहीं कहेंगे कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, हम कहेंगे डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज फ्रॉग. इट इज पॉपुलेशन दैट इवोल्व्स, दैट इज चेंजेस ओवर टाइम एंड नॉट द इंडिविजुअल मेंबर. पूरी की पूरी पॉपुलेशन अगर इवोल्व हो रही है तो हम कहेंगे चेंज आ रहा है. अगर इंडिविजुअल मेंबर जो है वो अगर उसकी बर्थ या डेथ हो रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे तो हम कहते हैं कि जनरेशन में चेंजेस आए हैं इन द जीन फ्रीक्वेंसीज. द टोटल जीन कंटेंट ऑफ होल स्पीशीज इज रेफर्ड टू एज द जीन पूल. जीन पूल हम कहेंगे जो पॉपुलेशन स्पीशीज की होल जीन कंटेंट जो है, जीन कंटेंट ऑफ होल स्पीशीज को हम रेफर करते हैं एज अ जीन पूल.
इन अ जीन पूल द प्रपोर्शन ऑफ सर्टेन जीन इंक्रीजेज एंड देन द अदर डिक्रीजेज. तो जीन पूल जो है वो पूरी स्पीशीज का होता है, उसमें जीन कंटेंट कभी बढ़ता है कभी कम होता है. तो एक स्पीशीज की जीन कंटेंट को हम कहते हैं जीन पूल. अब वेरिएशंस कब आती हैं, जब पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि वेरिएशंस आई हैं. ये वेरिएशन किन किन रीजंस की वजह से होते हैं, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, नॉन रैंडम मेटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और एनी अदर रीजन. सो माइग्रेशन हुआ कि जैसे फ्रॉग्स की पॉपुलेशन में बात करते हैं, फ्रॉग्स अपनी एक पॉपुलेशन लाइक पोंड वाली पॉपुलेशन से जाके लेक वाली पॉपुलेशन में मिक्स हो जाता है, तो यहाँ माइग्रेशन हुई. तो यहाँ से जो वेरिएशंस हैं वो आएंगी इंडिविजुअल लेवल पे, देन एट पॉपुलेशन लेवल पे. जब पॉपुलेशन लेवल पे वेरिएशन आ गई तो हम कहेंगे कि उसकी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, हैंस वेरिएशंस अकर्ड एट दैट पॉपुलेशन लेवल. नॉन रैंडम मेटिंग, इट कुड बी इन बिटवीन एनी रैंडम मेट्स. कभी भी किसी भी के बीच में अगर मेटिंग हो रही है तो रिजल्ट आएगा बिल्कुल डिफरेंट इंडिविजुअल में, जिसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशंस आ जाएंगी. जेनेटिक ड्रिफ्ट, दिस रेफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ द जीन ऑफ सर्टेन ट्रेट. व्हेन द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट्स और डाइज बिकॉज ऑफ सम रीजंस, अगर किसी रीजन की वजह से अगर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिमूव हो जाता है तो वहाँ पे चेंजेस आएंगी जीन फ्रीक्वेंसी में, जिसकी वजह से वेरिएशंस अक्कर होंगी. नेक्स्ट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. इट ऑल्टर्स द बेस सीक्वेंस इन अ जीन और जीन सीक्वेंस इन अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, अगर म्यूटेशंस आती हैं तो जीन्स के जो बेस पेयर हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑल्टरेशन हो जाती है जीन्स की और वेरिएशंस अक्कर होती. Then is hybridization. Hybridization is a method of mixing the genes of two population. दो अलग population के genes अगर mix हो रहे हैं तो नए type का offspring पैदा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे changes आएंगे और वहाँ पे variations occur होंगे. Natural selection. Here natural selection means that differential reproduction pattern, that is some member of the population have traits that enables them to grow up and reproduce at a higher rate and leave more surviving offspring in the next generation than others. यहाँ पे natural selection से मतलब है कि जो environment है ऐसे genes को allow करता है जो उन environmental condition के साथ cope up करके easily adapt हो सकते हैं. ये traits और genes जो हैं pass on होते हैं generation to generation, और gene frequency में एक generation पे आने पे जीन फ्रीक्वेंसी में बाकी जीन्स को डोमिनेट करने लग जाते हैं. प्री डोमिनेट्स द अदर इन द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन. दिस लीड टू द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द होल पॉपुलेशन. नाउ द नेक्स्ट इज स्पीशिएशन. स्पीशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन. ये तब होता है जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से पॉपुलेशन का कुछ सेक्शन जो है वो माइग्रेट हो जाता है अलग जगह पे, अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में, वहाँ पे नई स्पीशीज़ का अराइज होता है, जिस वजह से स्पीशिएशन होता है, नई स्पीशीज़ का बनना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो द लास्ट फैक्टर इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. इट कुड बी कॉल्ड एज द मैकेनिज्म विच इनहिबिट्स द स्पीशीज टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, बिकॉज दे कुड बी क्रिटिकल, harmful or critical for the new species. So these were the factors responsible for the synthetic and neo-Darwinism theory. So with this we have covered various theories related to the organic evolution. Now we'll talk about the some basic concepts related to evolution. Among these, first of all, Dollard's law. Dollard's law was proposed by French paleontologist Louis Dollard in 1893. उनके अकॉर्डिंग, डॉलोज लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जो इवोल्यूशन है वो इरिवर्सिबल है, कि इवोल्यूशन एक ही सीक्वेंस में होती है, वो बैक सीक्वेंस में नहीं हो सकती, वो सिर्फ पर्टिकुलर स्ट्रेट सीक्वेंस में हो सकती है और इरिवर्सिबल नहीं है. नेक्स्ट इज कॉप्स रूल. कॉप्स रूल वॉज प्रपोज्ड बाय पेलियोन्टोलॉजिस्ट एडवर्ड ड्रिंकर कॉप. अकॉर्डिंग टू दिस द इंडिविजुअल्स हु फॉर्म्स द होल पॉपुलेशन
टेंड्स टू इंक्रीज इन नंबर विद टाइम, टाइम के साथ जो इंडिविजुअल्स का नंबर है वो इंक्रीज होता जाता है, और इवोल्यूशन के साथ साथ जो पॉपुलेशन का नंबर है वो भी इंक्रीज होता जाता है. नेक्स्ट इज पैरेलल इवोल्यूशन. इन दिस व्हेन स्पीशीज ग्रोज फ्रॉम देयर इंसेस्टर्स, तो एक स्पीशीज के जो इंसेस्टर्स हैं जहाँ से वो शुरू हो रही है, तो वहाँ जो पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं, मान लीजिए दो ट्रेट्स हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली इवोल्यूट होंगे, उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है. दोनों ग्रो करेंगे फ्रॉम ट्रांसमिट करेंगे जनरेशन टू जनरेशन, बट इंडिपेंडेंटली, आपस में उनका कोई लिंक नहीं है. सो दिस इज नोन एज पैरेलल इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ जनरेशंस. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म नॉट क्लोजली रिलेटेड, जो ऑर्गेनिज्म है आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनके पास जो सिमिलर ट्रेट्स हैं, दोनों में सिमिलर ट्रेट्स हैं, जो इवोल्व हो रहे हैं, जिनका फंक्शन कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट वो दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट. अब इन दोनों का फंक्शन है सेम, दैट इज टू फ्लाई, बट दोनों के मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है. सो ये आता है एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंस. नेक्स्ट इज अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्टिव रेडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट कर ले जाए उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. वहाँ पे वो अपने जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ अडैप्ट करके उनमें फिट हो जाता है. ही गेट्स एबल टू फेस दोज चैलेंजेस विच आर क्रिएटेड बाय एनवायरमेंट अगेंस्ट हिम. सो अडैप्टिव रेडिएशन टू अडैप्ट इन द पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस. द लास्ट वन इज मोजैक इवोल्यूशन. दिस कंसेप्ट सेज दैट इवोल्यूशनरी चेंजेस टेक्स प्लेस इन सम बॉडी पार्ट्स ओनली एंड सिस्टम्स विदाउट साइमेंटेनियसली चेंजेस इन अदर पार्ट्स, कि बॉडी के सिर्फ कुछ ही पार्ट्स पे इवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे, पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आएंगे. सो दिस इज मोजैक इवोल्यूशन. सो दीज वर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच वर रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन. सो इन टूडेज लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग. सो नेक्स्ट टाइम विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड.